हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाइल लूप इन सी। जैसे कि मैंने अगले वीडियो में आपको कितनी टाइप की लूप होती है, लूप का मेन वर्क क्या है, इन्हीं के बारे में बताया था। और आज मैं बताऊंगा व्हाइल लूप किस तरीके से काम करती है, उनकी सिंटेक्स क्या है, और इसका एग्जांपल एक मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाओ। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाइल लूप किस तरह कैसे काम करती है, उसकी सिंटेक्स क्या है, इनके बारे में। तो सिंटेक्स में हमें सबसे पहले वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, बाद में व्हाइल लिख के राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप कंडीशन एक से ज़्यादा भी लिख सकते हो। बाद में कर्ली ब्रैकेट्स करके आप इनके अंदर कोड और स्टेटमेंट्स लिखना है। बाद में जो इनिशियलाइजेशन किया हुआ वेरिएबल है उसका हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, बाद में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इसी तरह ये जो है व्हाइल लूप की सिंटेक्स इस तरीके से है, पहले इनिशियलाइजेशन, बाद में कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ही वो कोड को एग्जीक्यूट करेगी, वरना ये कोड को स्किप कर देगी। इसी तरह व्हाइल लूप है वर्क करती है। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। प्रोग्राम में हम 1 से लेकर 10 तक का नंबर जो है वो प्रिंट कराएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio.h, बाद में void main, बाद में कर्ली ब्रैकेट ओपन करके हम एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करेंगे, इंटीजर i इक्वल टू 1। बाद में while लिख के राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखेंगे, i लेस देन इक्वल टू 10। अगर ये ट्रू हुई, अगर i 10 से छोटा है तो हम आई को ही प्रिंट करेंगे, परसेंटेज डी जो है वो स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसके ज़रिए हम आई को प्रिंट करेंगे। बाद में हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि आई प्लस प्लस। यहाँ पे आई की वैल्यू अब 1 है, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और फिर से वो कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन इक्वल टू 10। अगर ये ट्रू हुई तो फिर से आई प्रिंट होगा। इसी तरह 1, 2, 3 जब तक 11 न आ जाए तब तक ये लूप फरती रहेगी, क्योंकि 11 पर आ जाने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा ये जो कोड है वो स्किप हो जाएगा। इसी तरह सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, बाद में कंडीशन चेक करेंगे, बाद में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर से वो कंडीशन चेक करें। इसी तरह जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। तो इसी तरह हमने व्हाइल लूप किस तरह कैसे काम करती है, उनकी सिंटेक्स क्या है, और एक एग्जांपल के द्वारा समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।